तो हेलो फ्रेंड्स, सब सुबह स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम आए हैं माइनक्राफ्ट में। तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसे ट्रैप्स जो आपके दोस्त को एकदम ब्लास्ट करके रख देंगे। और ये कंटेंट मुझे बेबू के चैनल से मिला है, तो उसको भी जाके विजिट कर लेना। और मैंने इस बात का आपको बता ही दिया था मेरे माइंड रोस्टर चैनल में। अगर आप लोगों ने माइंड रोस्टर चैनल के बारे में नहीं सुना, उसमें मैं रोस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को सिंपली जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना है, उसके रेगुलर देखना है और वन के उसमें भी करवा देना है। और यहाँ पे पहले देख सकते हैं आप, पहले आपको ऐसे जैसे फॉर्म होता है ये ऐसे ही बना देना है। और जैसे कि आपके दोस्त कोई है, मल्टीप्लेयर आप खेलते हो, या फिर आपको कोई ऐसा ही है फ्रेंड जो आपका घर के जो फार्म है उसे जंप कर करके ख़त्म कर देता है और वो चोरी करके भाग जाता है, तो पहले आपको एक फार्म बना देना है जो आप बनाते हैं नॉर्मली, या फिर विलेज में होता ही है और आपको बनाना भी पड़ता है अगर आप सिंगल विलेज में नहीं गए हो तभी। और यहाँ पे पहले इसे बना दे रहा हूँ, उसके बाद सिंपली दिखाऊँगा। पहले ये बन जा, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अभी वो इसी नॉर्मल फार्म बन चुका है। और अब मैं दिखाऊँगा, पहले आप यहाँ पर टूट रहा है और यहाँ पर थोड़ी जगह फिर डर्ट आ गया है, इसे हटा के फिर से पहले रिपेयर कर लेते हैं। और ये सब जगह हो गया है और अब मैं बताऊंगा। पहले आपको यहाँ पे इसके साइड से एक डिक कर देना है और डिक कर देना है और ऐसे ही नीचे चले जाना है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी और TNT की, क्योंकि ऑब्जर्वर आपको ऐसे उसके ऊपर लगा देना है जिसके ऊपर आपने हो किया था, जिस डर्ट के ऊपर उस पर लगा देना है ऑब्जर्वर, और वो फेस उसी के ऊपर फेस करना चाहिए ऑब्जर्वर, उस डर्ट रोड के ऊपर प्लेस कर फेस करना चाहिए। और उसके बाद आपका ये बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर तो मिल चुका है, अब यहाँ पे इसे ऑब्जर्वर को निकालते हैं यहाँ से और अब चलते हैं। वहाँ पे TNT भी ले लिया मैंने और अब ऑब्जर्वर को आपको ऐसे ही भर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं भरने जा रहा हूँ, अभी पहले नीचे जाता हूँ और एकदम नीचे से एकदम भर देना है ऐसे ही, जिससे इसका जो एक प्लग जो होगा वो प्लग भर दिखे और सब फेस उसका जो होगा वो अपसाइड में ही रहे। अगर ये फेस आपका इधर रहेगा तो वर्क नहीं करेगा ट्रैप, इसीलिए इसका फेस उधर साइड में ही होना चाहिए। और ये ट्रैप बहुत यूजफुल है, तो लाइक कर देना। और मेरे वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर देना जिस पे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मैं और सारे वीडियोज़ बनाता रहूँ। और वैसे मैं रेगुलरली वीडियोज़ बनाता हूँ, अगर आपने हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे आपको TNT भर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप एक्सप्लोजन करना चाहें उतना TNT भर सकते हैं। उसके बाद इसको आपको ढक देना है जिससे आपके दोस्त को पता ना चले कि आपने यहाँ पे क्या ट्रैप बना रखा है उसके लिए। अब अगर आपको नॉर्मल फ्रेंड ऐसे आएगा, पहले यहाँ पे वीट लगा देते हैं सीड जिससे ये नेचुरल लगे, और यहाँ पे सीड भी लगा दूंगा तो ये एकदम फार्म बन जाएगा और ये फार्म जैसा वर्क भी करेगा। लेकिन इसमें एक आपको एडवांटेज क्या रहेगा, जो आपका दोस्त आगे इसे तोड़ने के लिए वो इसके साथ ही डेथ हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे क्रिएटिव में करके दिखा रहा हूँ, अगर सर्वाइवल में होगा तो डेथ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड नॉर्मली ऐसे आ गया और देखा भाई ये तो मेरे दोस्त का फार्म है, चलो इसे ब्लास्ट ख़राब करते हैं, और यहाँ पे ऐसे जम जम करता रहेगा और जब ये जो बर्बाद हो जाएगा खेत, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये पूरा फार्म के साथ साथ वो भी मर जाएगा। और ये बहुत यूजफुल था, आप इसे ट्राई करना। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहले आपको एक नेदर पोर्टल बना लेना है और मैं अभी बना रहा हूँ नेदर पोर्टल। थोड़ी यहाँ पे मुझे बड़ा हो गया है नेदर पोर्टल, लेकिन वो माइंड मत करना क्योंकि क्रिएटिव में था तो थोड़ा वेस्ट करने की सोचा तो कर दिया। और ये थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ऑब्जीडेंट एक बाहर हो गया। और पहले आपको ये पहले एक नेदर पोर्टल बना लेना है, एंड पोर्टल में ही काम करता है, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। पहले आपको नेदर पोर्टल भी बना देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ये ऑब्जर्वर और TNT का काम है। ऑब्जर्वर यहाँ पे प्लेस कर देना है, उधर साइड साइड में प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे TNT भर देना है आपको, जितना TNT आप चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रैप है और ट्रैप में TNT और बेडरॉक ये सब को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। बेडरॉक तो सर्वाइवल में आता नहीं, पर ये सर्वाइवल में आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले आपको जितना बड़ा एक्सप्लोजन करना है उतने बड़े TNT भर देना है आपको, उसके बाद बाहर से इसे ढक देना है। पहले मैं यहाँ पे TNT भर दिया हूँ, अब मैं बाहर की साइड जाता हूँ जिससे ये नेचुरल लगे। और यहाँ पे पहले आपको ले लेना है एक डर्ट, और डर्ट तो मेरे पास यहाँ पे है लेकिन मैं दूसरा वाला डर्ट लेता हूँ, हो वाला ले लेता हूँ डर्ट, क्योंकि ये पहले से ही है। तो पहले यहाँ पे पेंटिंग ले लेना है और पेंटिंग को यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं।
और इसे यहाँ आगे से नहीं होगा पीछे से जाके कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पे पेंटिंग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो वो रेडी स्टोन का है वो सब ना दिखे, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कोई ना दिखे, और ये ब्रांडेड एकदम असली वर्क कर पाए। यहाँ पे एक TNT बाहर दिख रहा है, तो इसे भी हटा देते हैं, जिससे अगर ये पेंटिंग टूट भी जाए तो भी शक ना हो किसी को। और यहाँ पे पेंटिंग लगा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे गलत लग गया था फिर से लगा दिया। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल दोस्त से आएगा, पहले फ्लिंट एंड स्टील ले लेते हैं जिससे इसे इग्नाइट कर सके। तो यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील मिल गया है, और अब यहाँ पे आपका दोस्त आएगा और ऐसे इसे फ्लिंट करेगा। जब यहाँ पे पहले गेम मोड सर्वाइवल कर लेते हैं, जिससे आपको ये दिखा सकूँ कितना ये डैमेज करता है और कैसे इसमें किल कर देता है। और ऐसे पहले वेट कर देना है, और मैं सर्वाइवल लगा देता हूँ इसे क्रिएटिव से सर्वाइवल, और इसे एग्जिट करते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स जब यहाँ पे आएगा और इसे इग्नाइट करेगा बिल्कुल ही, उसके बाद ये फट जाएगा और एकदम आप एकदम किल हो जाओगे। और ये ट्रैप कैसे लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियोस बहुत दिन से मैं अपलोड ही कर रहा हूँ और आप उस सबको भी देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।